आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ बेसिक्स जो आपको हेल्प करेंगे अगर आपके पास सिल्क कुर्ता सेट्स की कलेक्शन है। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। ये बेसिक्स आई थिंक आपने से हर एक को पता होने चाहिए बिकॉज यू नो इंडिया में वी हैव अ लॉट ऑफ कलेक्शन इन सिल्क फैब्रिक्स। हमारे पास सिल्क के टॉप्स होते हैं, शर्ट्स होते हैं, कुर्ताज होते हैं, कुर्ता सूट्स होते हैं। एंड अभी विंटर्स में सिल्क ही एक ऐसा फैब्रिक है जिसको ज्यादा यू नो प्रेफर किया जाएगा कुर्ताज और सूट्स बनाने में। सो आई थिंक ये टिप्स आपको काफी हेल्प करेंगे। कुछ बेसिक्स हैं विच विल हेल्प यू आपके जो सिल्क फैब्रिक्स हैं, आपके जो सिल्क कुर्ता सेट्स हैं, उनको परफेक्टली पहनने में और परफेक्टली संभाल के रखने में। तो बने रहेगा इस वीडियो के एंड तक। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो याद से हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई होप आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी जिसमें हमने आपके साथ शेयर किया एक इंटरनेशनल फैब्रिक जो इंटरनेशनल है और पॉपुलर है ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट स्टिल इंडिया में भी सिमिलर फैब्रिक्स अवेलेबल हैं। तो आप कैसे एक इंटरनेशनल स्टाइल कैरी कर सकते हैं इंडियन वे में, उसके बारे में उस वीडियो में हमने बात किया। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है, मेक श्योर आप जाके एक बार जरूर देखें, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हेलो एवरीवन, मैं हूं रुपिंदर और ये है इंप्रेशंस इंडिया का सबसे पहला हिंदी में फैशन और स्टाइलिंग चैनल। सबसे पहली जो बात होती है सिल्क कुर्ताज में या सिल्क का कोई भी अपर वेयर बना रहे हैं, मेक श्योर उसका जो फिट है वो बॉडी हगिंग ना हो। बॉडी फिट सिल्क कुर्ताज या सिल्क सूट्स जो हैं, इसके बहुत से ड्रॉबैक्स हैं। सिल्क जो फैब्रिक है इसे बहुत ज्यादा रिलेट किया जाता है ग्रेसफुल गार्मेंट के साथ। यू नो इफ यू वॉन्ट टू लुक ग्रेसफुल तो आपको सिल्क जो फैब्रिक है उसकी कैटेगरी में अपने फैब्रिक्स को चूज करना चाहिए। तो अगर हम ग्रेस की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो मेक श्योर आपके जो गार्मेंट्स हैं, आपके जो आउटफिट्स हैं, वो बॉडी हगिंग ना हो। स्पेशली आपका जो अपर बॉडी गार्मेंट, आपके जो कुर्ताज हैं, सिल्क एज अ फैब्रिक वो बहुत डेलिकेट फैब्रिक होता है। अगर आप उसे बॉडी हगिंग बना लेंगे तो वो साइड सीम से खराब होना शुरू हो जाएगा, लूज हो या फिर कंफर्टेबल फिट हो। बॉडी हगिंग कुर्ताज आर अ बिग नो अगर आप सिल्क फैब्रिक को चूज कर रहे हैं। सेकेंडली, अगर आप एक ऐसा लुक क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें आपको एक क्लासी लुक चाहिए, देन अगेन बॉडी हगिंग गार्मेंट्स यहाँ पे इज अ बिग नो। अगर आप इंडियन वेयर कैरी कर रहे हैं फॉर अ क्लासी लुक, मेक श्योर वो एक कंफर्टेबल फिट में हो। स्ट्रेट फिट है आपका या ए लाइन फिट है, यानी कि आपकी बॉडी की सिलुएट बहुत ज्यादा विजिबल नहीं होनी चाहिए। सो मेक श्योर अगर आप सिल्क फैब्रिक में अपने गार्मेंट्स बना रहे हैं तो वो लूज या कंफर्टेबल फिट में हो, तभी आप फैब्रिक के साथ भी जस्टिस करेंगे, उसके स्टाइल के साथ भी जस्टिस करेंगे और जिस पर्पज के लिए हम सिल्क को कैरी करते हैं एट दी एंड वो भी इसी से ही सॉल्व होगा कि आप उसके फिट्स को कंफर्टेबल या लूज रखें। नेक्स्ट है शियर एलिमेंट्स। शियर जो गार्मेंट्स हो काफी ज्यादा इंट्रेंड है, इस पे भी हमारी एंटायर वीडियो जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हैं। तो शियर को आप सिल्क में कैसे ऐड कर सकते हैं? यूजुअली हम बाकी गार्मेंट्स में क्या करते हैं, नेट का एक पार्ट इंसर्ट कर देते हैं जहां पे भी हमें एक शियर एलिमेंट चाहिए होता है। शियर क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, एक होता है फुली ट्रांसपेरेंट शियर होता है जिसमें यू नो पार्शियली ट्रांसपेरेंट रहता है वो। तो हम इस तरीके के फैब्रिक्स वहां पे लगा देते हैं, नेट लग जाता है, यू नो इन कॉटन्स वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शन। बट अगर आप सिल्क बना रहे हैं, सिल्क का कपड़ा है जिसमें आप शियर एलिमेंट ऐड करें, मेक श्योर आप ऑर्गेन्जा के साथ जाएं इंस्टेड ऑफ नेट। ऑर्गेन्जा की जो क्वालिटीज हैं आर वेरी सिमिलर टू सिल्क, उसमें हल्का सा शाइन भी रहता है एंड गिव्स अ मोर रिच लुक। तो इसलिए अगर आप सिल्क में एक यू नो शियर एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं कहीं पे भी, नेक स्लीव्स फ्लेयर पे कहीं पे भी आपका डिजाइन एलिमेंट शियर है तो नेट की जगह ऑर्गेन्जा को पिक कीजिए। अगर आप सिल्क के कुर्ताज पहन रहे हैं, मेक श्योर आप उसके साथ जो चूड़ीदार हैं वो लाइक्रा पिक मत कीजिए। जो आपको रेडीमेड चूड़ीदार मिलते हैं दे लुक गुड विद कॉटन एंड अदर फैब्रिक्स, लेकिन सिल्क के साथ बिल्कुल भी नहीं। आपको सिल्क में ही अपने जो चूड़ीदार हैं वो बनवाने चाहिए। और हमारे यहाँ पे गलती कहाँ हो जाती है, हमें लूज चूड़ीदार नहीं चाहिए, हमें वही बॉडी हगिंग फिट चाहिए जो एक लाइक्रा चूड़ीदार देता है, विच इज नॉट राइट है। सिल्क में आपका फिट कंफर्टेबल और लूज ही परफेक्ट रहता है और आप सिल्क में ही अपने चूड़ीदार बनवाइए। मेक श्योर वो थोड़े से लूज हो सो दैट आपको उठने बैठने में भी इजी लगे एंड चूड़ीदार का जो एक एलिगेंट लुक आता है वो एक हल्के से लूज फिट में ही आता है। तो मेक श्योर आप बॉडी हगिंग लाइक्रा चूड़ीदार मत पहने अपने सिल्क के गार्मेंट्स के साथ, अपने सिल्क के कुर्ताज के साथ। इनफैक्ट आप सिल्क के चूड़ीदार को ही प्रेफर कीजिए। सो यू नो इट थ्रेटिकल बातें नहीं है, इट्स प्रैक्टिकल ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल देती हूँ। लास्ट ईयर वी हैड अ चांस एक इंडियन रॉयल फैमिली की फीमेल के लिए एक कुर्ता सेट बनाने का एंड शी गेव अस दीज इंस्ट्रक्शंस स्पेसिफिकली कि उनका चूड़ीदार जो है वो बॉडी हगिंग नहीं होना चाहिए, इट शुड बी लूज एंड कंफर्टेबल एंड एट द एंड ऑफ इट वो उस सूट से क्लासी लुक ही अचीव करना चाह रहे थे। सो उनके जितने सूट्स हमारे पास बने थे ऑल द चूड़ीदार वर मेड इन द सेम फैब्रिक एंड दे हैड अ लूज फिट टू देम
जो उसे कंफर्टेबल भी बनाता है एंड इट गिव्स अ क्लासी लुक आल्सो। अब ये एग्जांपल मैंने आपको इसलिए दिया बिकॉज अ लॉट ऑफ यू से कि मॉडल्स पे सब चीजें अच्छी लगती हैं बट इन रियल लाइफ अगर हम ये पहनेंगे तो ये यू नो उतना अच्छा नहीं लगेगा। लूज फिट चूड़ीदार विल नॉट गो वेल विद द कुर्ता सेट यू नो। सो अगर वो पहन रही है यू नो एक ऐसी जगह पे जहाँ पे उन्हें नोटिस किया जाएगा, जहाँ पे हर इंसान किसी स्टाइलिस्ट या किसी डिजाइनर के थ्रू ड्रेसअप होके आए हैं और वहां पे उन्होंने इस चॉइस का चूड़ीदार और कुर्ता सेट पिक किया, सो आई थिंक ये इस चीज को इनफ प्रूव कर रहा है यहाँ पे कि एक क्लासिक लुक के लिए आपको किस टाइप के आउटफिट्स पहनने चाहिए एंड स्पेसिफिकली अगर आप सिल्क कैरी कर रहे हैं तो आपको किस तरीके के चूड़ीदार और कुर्ताज पहनने चाहिए। नाउ अगर आप एक प्लस साइज वुमेन है और आपकी बस्ट लाइन आपको कॉन्शियस बनाती है एंड यू वॉन्ट कि आप ऐसे कपड़े पहने जिसमें आपकी बस्ट लाइन वाइडर या बिगर ना दिखे, तो ऐसे केस में मेक श्योर आप प्लेन सिल्क कुर्ताज अगर पहन रहे हैं, आपको पसंद है डेफिनेटली पहनिए, बट आपके बस्ट लाइन के ऊपर एक ब्रेकेज होना चाहिए। आप यहाँ पे कुर्ता प्लाकेट बनवाइए, बटन्स लगवाइए, कोई भी पैटर्न जो आपका नेक और बस्ट लाइन में एक ब्रेकेज क्रिएट कर रहा है आपको उसकी जरूरत है। अगर आपको प्लेन आउटफिट्स ही पसंद है तो एक मिनिमल डिटेल ही यहाँ पे काम करेगी, बट यू नीड अ ब्रेकेज अराउंड योर नेक और यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ पैटर्न की जरूरत रहेगी सो दैट आपकी बस्ट लाइन वाइडर ना दिखे। नाउ सिल्क कुर्ताज में स्ट्रेच नहीं रहता जिसकी वजह से अगर आप थोड़ा सा भी वेट पुट ऑन कर लेंगे तो आपको टाइट हो जाते हैं एंड अगर आप उन्हें लूज करवाएं तो उनके साइड पे नीडल मार्क्स रह जाते हैं बिकॉज सिल्क एक इतना डेलिकेट फैब्रिक है, उसमें नीडल मार्क्स डेफिनेटली रहते हैं, तो आप उसे खुलवाने के बाद भी पहनना कंफर्टेबल नहीं लगता आपको बिकॉज ऑफ दीज नीडल मार्क्स। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने कुर्ता के साइड पे सेम कलर में या डिफरेंट कलर में एम्ब्रॉयडर्ड प्रिंटेड या एनीथिंग लेकिन सिल्क फैब्रिक में आप साइड सीम में फैब्रिक इंसर्ट करवा सकते हैं, जितना आपको लूज करना है उतनी विड्थ का फैब्रिक आप इंसर्ट कर सकते हैं और इस तरीके से आपका सिल्क कुर्ता रीयूज भी हो जाएगा और उसमें एक डिजाइन एलिमेंट भी ऐड हो जाएगा। और अगर आप इसे कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से एक फ्लेरी कुर्ता भी इसमें बनवा सकते हैं डिफरेंट कलर में डिफरेंट प्रिंट में, आप साइड में पैनल्स इंसर्ट करवा सकते हैं और लेंथ में पैनल्स इंसर्ट करवा सकते हैं। सो इस तरीके से आपका जो स्ट्रेट कुर्ता है वो एक फ्लेरी कुर्ता में कन्वर्ट हो जाएगा। मेक श्योर सिल्क के साथ सिल्क ही कॉम्प्लीमेंट करेगा, तो मेक श्योर आप जो ये फैब्रिक्स इंसर्ट करवा रहे हैं वो सिल्क में ही रहे। ये जो टिप्स हैं ये आपको हेल्प करेंगे आपके सिल्क कुर्ताज को लंबे टाइम तक पहनने में, सो दैट अगर वो टाइट भी हो गए हैं उनका फिट ऊपर नीचे हो गया है तो आप उनको इस तरीके से दोबारा रीडिजाइन करके रीयूज कर सकते हैं। सिल्क सूट्स के साथ सिल्क दुपट्टाज एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाते हैं, लेकिन अगर आप शॉर्ट हाइट हैं या प्लस साइज हैं तो देयर आर चांसेस कि आप कॉन्शियस फील करें सिल्क दुपट्टा को इस तरीके से फैला के लेने, आपको मे भी लगे कि उससे आपकी हाइट कट शॉर्ट हो रही है या यू नो थोड़ा बल्क एड हो रहा है इस तरीके से आपके यू नो अपर बॉडी एरिया में। सो आप क्या कर सकते हैं, आप सिल्क दुपट्टा को कैरी कीजिए लेकिन उसको ड्रेप करने का तरीका बदल लीजिए, उसे इस तरीके जैसे आप शॉल को ड्रेप करते हैं अपने शोल्डर्स के ऊपर ड्रेप कीजिए, इस तरीके से आप एलिगेंट और क्लासी भी लगेंगे एंड ऑल्सो आप एक सिल्क दुपट्टा इजिली कैरी कर पाएंगे अपने सिल्क सूट्स के साथ। नेक्स्ट अगर आपको सिल्क दुपट्टा लेना ही नहीं है, यू डोंट फाइंड इट कम्फर्टेबल टू कैरी, तो आप क्या कर सकते हैं, मेक श्योर अगर आपको यू नो फ्लोई दुपट्टा चाहिए तो आप जॉर्जेट के दुपट्टा ना लीजिए, जॉर्जेट सिल्क के साथ यू नो कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा, शिफॉन कॉम्प्लीमेंट करेगा। जॉर्जेट में डलनेस रहती है हमेशा, जो शिफॉन है उसमें एक स्लाइट शाइन होती है जो सिल्क की शाइन के साथ बैलेंस अच्छे से करेगा। सो यू नो अगर आपको फ्लोई दुपट्टा चाहिए मेक श्योर कि आप शिफॉन्स पिक करें इंस्टेड ऑफ जॉर्जेट दुपट्टाज या नेट दुपट्टाज। आपको अगर एक फ्लोई दुपट्टा चाहिए मेक श्योर वो शिफॉन रहे एंड ऑल्सो प्रिंटेड यू नो जो प्रिंट्स हैं वो इन ट्रेंड है, ऑल ओवर प्रिंट्स हैं किसी भी टाइप के गार्मेंट में, तो आप अपने सिल्क कुर्ता के साथ प्रिंटेड शिफॉन्स भी ट्राई कर सकते हैं। अब विंटर्स आ गई हैं, सिल्क आप ज्यादातर इसी सीजन में कैरी करेंगे, तो अगर आपको एक वार्म लेयर की जरूरत है तो आपको वेलवेट दुपट्टा वेलवेट शॉल्स पता ही होगा, पिछले कुछ सालों से दे आर वेरी मच इन ट्रेंड, इनफैक्ट हमने पूरी वीडियो उन पे बना रखी है वेलवेट शॉल किस तरीके से स्यू करनी है उस पर भी एक वीडियो है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो क्योंकि इस बार प्रिंट्स इतना ज्यादा इन ट्रेंड है मेक श्योर आप एक प्रिंटेड वेलवेट दुपट्टा जरूर कैरी करें, आपको कुछ नहीं करना है इसके लिए, अगर आपको रेडीमेड दुपट्टास नहीं मिलते प्रिंटेड वेलवेट्स आपको मार्केट में मिलेंगी, उसे 2.5 मीटर जितने का भी आपका दुपट्टा या शॉल होता है उसमें कट करवा के बॉर्डर्स ऐड करवाने हैं तो करवाइए, नहीं तो सिंपल नीट चारों तरफ से पाइपिंग से आप फिनिशिंग्स करवा के दैट्स इट, आपके पास प्रिंटेड वेलवेट शॉल रेडी हो जाएगी। तो यू नो प्रिंट्स आर इन, तो मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट, आप थोड़े से डिफरेंट लगेंगे, थोड़ा ब्रेक मिलेगा आपको एम्ब्रॉयडर्ड आउटफिट से, एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा एम्ब्रॉयडरी की हुई वेलवेट या सिल्क से। सो ट्राई कीजिएगा कि इस बार आप अपनी सिल्क के साथ प्रिंट्स को पेयर अप करें। और ये लास्ट चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप विंटर्स में पहन रहे हैं अपने जो सिल्क्स हैं बट स्टिल आपको अंडर आर्म्स में स्वेटिंग इश्यूज हो सकते हैं, पूरा दिन आपने सिल्क पहना है, हल्का सा स्वेट भी मार्क छोड़ देता है, तो
इसकी वजह से बहुत से लोगों के सिल्क कुर्ताज खराब हो जाता है। सो आप मेक श्योर आप इस बार ट्राई करें स्वेट पैड्स को। स्वेट पैड्स आप कहाँ से खरीद सकते हैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। स्वेट पैड्स आर वेरी कंफर्टेबल, सिर्फ एक आदत भर डलने की जरूरत है इनकी, आपके सिल्क के जो ब्लाउजेस हैं कुर्ताज हैं उनको बहुत लंबे टाइम तक बचा के रखेंगे। सो स्वेट पैड्स, यू नो इस पे हमारी एक इंटायर वीडियो है इनर वेयर्स के ऊपर, इस तरीके की एसेसरीज के ऊपर जो हेल्प करेगी आपको टू ड्रेस वेल, और आपके कपड़ों को भी बचाएगा फ्रॉम गेटिंग डैमेज और आपको भी और ज्यादा कंफर्टेबल बनाएगा। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी आप जाके देख सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो वाई स्वेट पैड्स आर इम्पोर्टेंट हमने आपको यहाँ पे बता दिया है, आप इस चीज को लाइटली मत लीजिएगा, स्वेट पैड्स आर वेरी इफेक्टिव, तो मेक श्योर आप जरूर इनको खरीदें। एंड ऑल्सो जब हमने लास्ट टाइम ये वीडियो बनाई थी जिसमें हमने इनर वेयर के बारे में आपसे बात की थी, वन ऑफ आर व्यूअर्स हमें इंस्टाग्राम पे उन्होंने मैसेज करके बात बोली थी कि प्लीज आप ऐसे स्वेट पैड्स को प्रमोट कीजिए जो रीयूजेबल है। सो या आई रियली लाइक द थॉट, हमें ध्यान में नहीं आई उस टाइम पे ये बात, सो आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी क्योंकि अब दोबारा इस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं कि अगर आप स्वेट पैड्स ले रहे हैं तो रीयूजेबल स्वेट पैड्स को ही लीजिए इंस्टेड ऑफ द वंस जिनको एक बार यूज करके आपको फेंकना पड़े। सो आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो। सिल्क के गार्मेंट्स हम लोग काफी स्पेंड करते हैं उनपे, एंड यू नो सिल्क इज प्रीटी मच एक्सपेंसिव, वेरी डेलिकेट फैब्रिक, तो उसकी केयर करने के लिए, उसको अच्छे से पहनने के लिए ये जो बेसिक टिप्स हैं आपको काफी हेल्प करेंगे। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो याद से हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।